बोलो हाँ बोलो नहीं है 323 ईसा पूर्व का भारत। झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था, साथ में हो चुका था संसार की दो मुख्य शक्तियां पुरु और सिकंदर का सूर्यास्त। परंतु भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब भारत की आशा एक थी, मगर जहां का महाराजा था धनानंद, और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। दूसरी तरफ यदि कोई भारतवर्ष की अखंडता के लिए समर्पित थे तो वे थे मगध से दूर बैठे तक्षशिला के आचार्य चाणक्य। अपमान, घोर अपमान, अहंकारी, अज्ञानी धनानंद, आज तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। मेरी शिक्षा को अपमान करने का यह तेरा दुस्साहस। मैं आचार्य चाणक्य अपनी शिक्षाओं को खोलकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आर्यव्रत की अखंडता सनातन धर्म के हित के लिए मैं तेरे और तेरे कुल का नाश करूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा 3 वर्ष के भीतर ही पूर्ण करूंगा। अब ये शिक्षक मगध को भावी सम्राट देगा। ध्यान रहे धनानंद, मैं अपनी शिक्षाओं का तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता। जो इतने सौम्य और सरल स्वभाव वाले आचार्य इतने आवेश में, आइए जानते हैं। सैनिक महाराज अभी राजकाज में व्यस्त है, आप अभी नहीं जा सकते। मुझे महाराज से शीघ्र ही मिलना है। महाराज की जय हो। ये कौन दुस्साहसी है जिसने मेरे रंग में भंग डाला? महाराज मेरी क्या मजाल कि मैं आपके रंग में भंग डालू, परंतु मैं क्या करता हूँ। मेरे सामने प्रश्न है मगध की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न है भारत की अखंडता का। मैं अकेले इतने सारे प्रश्नों का बोझ कैसे दे सकता हूँ महाराज? नहीं अमर, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखो उसे कौन सी शिक्षा लाया है हमारे लिए। महाराज भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा है, और इस समय मगध ही इतना सर्वशक्तिशाली है जो उन्हें चुनौती दे सकता है। महाराज अगर आप चाहें तो टल सकता है खतरा, बच सकता है महाराज। शिक्षक साधारण नहीं रहता था खेलते हैं, माटी को कुंभ कैसे बनाया जाता है ये एक शिक्षक ही जानता है। इसका सम्मान इसकी शिखाओं में है ना, तो पकड़ो इसकी शिखाएं और खींच कर कर दो इसे दरबार से बाहर। सूर्य क्यों ना हो जो अपनी तेज से पूरे धरती को जलाता है, तब तब चंद्र ग्रहण बन कर आती है। धनानंद अपमान, अहंकारी, तूने आज एक शिक्षक का अपमान किया है। मेरी शिक्षा को अपमान करने का यह तेरा दुस्साहस,
आचार्य चाणक्य सिखाओं को खोलकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आर्यव्रत की अखंडता सनातन धर्म के हित के लिए मैं तेरे और तेरे कुल का नाश करूंगा। कारण मेरी प्रतिज्ञा 3 वर्ष के भीतर ही पूर्ण होगी। तत्पश्चात आचार्य निकल पड़े अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। कुछ दूर चलने पर कुछ बच्चे राज दरबार का खेल खेल रहे थे, तभी आचार्य की नजर उन पर पड़ी। की जय हो सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। सम्राट आज की सभा प्रारंभ करने की आज्ञा दी जाए। आज की सभा प्रारंभ की जाए। चलो चलो, इसका अपराध क्या है? महाराज इसने अन्य नागरिकों पर आक्रमण करके लूटने का प्रयत्न किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक, अगर किसी पे अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं होऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। नागरिक, प्रजा की जीवन रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता। मंत्रीवर्ग, इसे 1 माह के कारावास में डाल दिया जाए। मंत्रीवर्ग, अपनी मर्यादाओं को भंग न करो। मेरे राज्य में कोई जनपद की सीमा मानव को बांट नहीं सकती, कोई धर्म की व्यवस्था मानव को बांट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे, राज जलगांव की बातें फिर न्यायालय में उठाई जाए। आज की सभा यह समाप्त की जाती है। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। सम्राट की जय हो। राजन, राज जलगांव की भावना तो मानव में गहरी बैठी है, इसे कैसे दूर किया जाए? जनपद की सीमा को मिटाकर। राजन, सीमा रेखा तो मानव ही खींचता है, लेकिन यह भावना राज जलगांव की उसके मस्तिष्क से कैसे उखाड़ा जाए? विनय हो, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे आचार्य का? मेरा कोई गुरु नहीं। ऐसा क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ, भेड़ बकरी चराता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मगर सभी ने मुझे धिक्कार दिया। मैं इतिहास के पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। एकलव्य, चलो मेरे साथ तक्षशिला, मैं मनुष्यों की भूमि पर तुम्हें एक योग्य शासक बनाऊंगा। चंद्र, पुत्र चंद्र, कहाँ थे तुम? माँ, देख कौन है। ये कौन है? माँ, आज से मेरे गुरु हैं और मैं तक्षशिला जा रहा हूँ शिक्षा ग्रहण करने। ये क्या बोल रहे हो गुरुवर? मेरे पुत्र के मस्तिष्क में ये क्या विचार प्रवेश कर रहे हैं? मैं एक भिक्षु हूँ और मैं तुम्हारे बेटे को एक योग्य शासक बनाना चाहता हूँ। इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। माँ, तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है जिसे साकार करने का कर्तव्य मेरा है। मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे बेटे को एक योग्य और महान शासक बनाऊंगा। मैं इतिहास के पन्ने में इसका नाम उज्जवल बनाऊंगा। धन्यवाद माँ। चलो चंद्रगुप्त। और अंत में गुरु और शिष्य निकल पड़े अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने और आचार्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। Yeah, Charlie.
अपने सहपाठी से हारने के बाद चंद्रगुप्त का मनोबल टूट चुका था। तभी एक शिकारी ने उसे चुनौती दी, परंतु चंद्रगुप्त ने उस चुनौती को अस्वीकार कर दिया। यह देख के आचार्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया। आयुष्मान भवो, चंद्रगुप्त मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुमने शिक्षक की चुनौती को अस्वीकार क्यों किया? मैं फिर से हार जाता तो फिर अर्थात हारने का भय रोक रहा है तुम्हें। याद रहे चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें भविष्य में विजय भी दिलाएगा। चंद्रगुप्त, जो भय को गंभीरता से लेते हैं, विजय श्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। चंद्रगुप्त, नियति तो यही कहती है, अगर अधिक पाना है तो अधिक खतरा उठाना पड़ेगा। कुछ लोग अपने जीवन में खतरा ही नहीं उठाते हैं, उनकी जीवन जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं। ध्यान रहे चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, जो व्यक्ति कुछ कर गुजरने का हौसला रखता है, जो व्यक्ति निडरता पूर्वक अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाता है। संभावना यह भी है कि वह व्यक्ति हार जाए, लेकिन जीतने का उसका यह संतोष उससे जीवन में कोई नहीं छीन सकता है, या फिर जीवन में हमेशा सफल रहता है। सम्राट किया।